welcome to my channel. This video is introduction class of mensuration. मेंसुरेशन में टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फिगर को लेकर के किया जाता है. टू डायमेंशनल फिगर जिसे हम प्लेन फिगर कहते हैं, उसमें कौन कौन से फिगर आते हैं, तो जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, एनी क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारे फिगर को हम टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं. एंड थ्री डायमेंशनल इसे हम सॉलिड फिगर कहते हैं. सॉलिड इट मीन्स जिसे हम प्लेन फिगर पे उसे पूरे उतार नहीं सकते हैं, उसे हम सॉलिड फिगर कहते हैं. लाइक कोई भी कंटेनर है ना, जैसे कि आपके घर पे मसाले वाले डब्बे होते हैं, या तो फिर किसी बिस्किट वगैरह का एक डब्बा होता है. जब हम किसी सामान को लाते हैं तो एक कार्टून, छोटे से कार्टून में वो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, क्यूब फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तब हम इन सारे फिगर को क्या करते हैं, सॉलिड फिगर करते हैं, या तो फिर हम थ्री डायमेंशनल करते हैं. तो वन बाई वन मेंसुरेशन में बेसिकली एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम फाइंड करने के लिए दिया जाता है. बट प्लेन फिगर में ओनली एरिया फाइंड कर किया जाएगा, और जो सॉलिड फिगर होंगे उसमें वॉल्यूम एंड एरिया दोनों फाइंड किए जाएंगे. तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से फिगर कैसा होता है और उनके क्या फार्मूलाज हैं एरिया फाइंड करने के लिए. जब सॉलिड फिगर पे आएंगे तो उसका वॉल्यूम को लेकर के भी बताएंगे, एंड ये पेरीमीटर भी होता है. सपोज दैट दिस इज अ रेक्टेंगल फिगर, है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल. और टू डायमेंशनल में लेंथ बेस एंड और लेंथ होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ दो ही होते हैं. बट हमारा जो थ्री डायमेंशनल फिगर होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीन चीज़ होता है. ओके, रेक्टेंगल में क्या होगा, एक हमारा लेंथ होगा और दूसरा क्या होगा, ब्रेथ होगा. सिमिलरली स्क्वायर में भी वही होगा, पैरेललोग्राम में भी वही होगा, और जो भी है, रोम्बस हो, काइट हो, ये ट्रेपीजियम हो, सर्कल हो, सर्कल में तो हाइट वगैरह नहीं होता, बट एक कर्व्ड फिगर होते हैं वो. अब जानते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जितना मैं इसमें फॉर्मूला बता रही हूँ सारे फॉर्मूला को आप अगर लर्न कर लेते हो तो सॉल्यूशन काफ़ी आसान नहीं, मतलब बिल्कुल ईजीएस्ट हो जाएंगे आपके लिए. तो पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, वन बाई वन में फिगर का पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना होगा. तो इसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया तो इसका फॉर्मूला है 2 × L + B. अब 2 × L + B क्यों है, अब देखो कि ओपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल का इक्वल होता है, तो यानी कि AB = BC, यानी दोनों साइड जो है वो इक्वल है. सिमिलरली ये दोनों भी साइड जो है वो क्या है, इक्वल है. दैट्स वाई ये दोनों साइड, तो ये दोनों साइड यानी सेम मेजरमेंट का दो दो साइड हो गया, तो 2 हो गए और L + B हो गए. अब एरिया अगर हमें फाइंड करने के लिए दिया जाए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो उनका लेंथ का मेजरमेंट, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि तीन टर्म होंगे. अगर सपोज दैट पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर, लेंथ और ब्रेथ तीन टर्म में कोई दो टर्म आपको गिवेन होंगे, तीसरा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा. अभी मैं रेक्टेंगल पेरीमीटर को लेकर के एक आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ. सपोज दैट कि आपको दिया हुआ है कोई भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवेन हो, और ये यहाँ पे पेरीमीटर तो फाइंड कर लेंगे. बच्चों की कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि जब पेरीमीटर ही गिवन हो और हमें लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक फाइंड करने के लिए दिया जाए, तब वहाँ पे कंफ्यूजन काफ़ी हो जाती है. सपोज दैट हमारा जो ये रेक्टेंगल है, इनकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है. ओके, और 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये अननोन है. ओके, एंड इसका पेरीमीटर जो है वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है. पेरीमीटर क्या दिया गया है, पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है. फॉर्मूला बेटा ऑलवेज यही यूज़ करोगे, दूसरी फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज फंसते वहीं पे हैं बच्चे. तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × L + B. ओके, पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, तो हम पेरीमीटर के
प्लेस पे उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके सपोज दैट मैंने पुट किया 18 जो है एज इट इज लिख देंगे। लेंथ की हमें हमारे पास वैल्यू है 5 प्लस में ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ओके 18 इंटू ये क्या हो गए 5 टू जो 10 प्लस में 2b। ओके 2b 18 ये इधर आ करके माइनस हो जाएगा 10 और आ गया 2b। ओके देन माइनस करने के बाद कितना आया 8 तो ब्रेथ इक्वल टू 8 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे 4 रखेंगे। ओके आंसर क्या हुआ। अब इसे हम कैसे जानेंगे कि सही है या गलत है क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई हमारे आंसर ये ऐसा बुक नहीं है जिसमें आंसर गिवेन है तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं। मैं ऑल ऑफ ओवर आपको बता देती हूँ इतने अच्छे से यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जिससे कि जब आपको सॉल्यूशन का वक्त आएगा तो आप बिल्कुल ईजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये भी है ब्रेथ भी है और लेंथ भी है और पेरीमीटर भी है तीनों है हमारे पास। ओके अब हम कोई भी चीज़ एक फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट हम पेरीमीटर फाइंड करें अगर इन दोनों वैल्यू को लेकर के 4 एंड 5 की वैल्यू को लेकर के पेरीमीटर फाइंड करें अगर वो 18 आ जाता है तब हमारा आंसर हमने जो सॉल्व करके आंसर फाइंड किया वो करेक्ट होगा। ओके नाउ अब हमें आप इसे मतलब अभी तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर है बट आप ये समझो कि आप पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके तो कैसे करेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस में 4 पी इक्वल टू 2 मल्टीपल 5 9 एंड पी इक्वल टू 18 आ गया है ना। फिर मैंने इसे क्या किया यहाँ पे 18 आ गया इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो इस तरीका से हम फाइंड करते हैं कुछ भी दिया हो पेरीमीटर दिया हो तो हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं लेंथ और ब्रेथ दिया हो तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नाउ एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ बट हमें सपोज दैट यहाँ भी तीन टर्म है ना एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीपल ब्रेथ 1, 2, 3 टर्म्स थ्री टर्म्स में से कोई 2 टर्म्स गिवेन होंगे और थर्ड हमें फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। ओके सपोज दैट एरिया अगर आपको फाइंड करने के लिए दे दिया हो और ये आपको दे दिया हो कि इसका लेंथ आपका है 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है तब इजी वे में फाइंड कर लोगे कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑलवेज स्क्वायर मतलब उसका जो आंसर होगा वो स्क्वायर में हम लिखेंगे। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आसानी से आ जाएगा। सपोज दैट आपको लेंथ या लेंथ नहीं गिवेन है ना 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एरिया है और हमें लेंथ फाइंड करना है तो क्या करेंगे इस जगह पे लेंथ है अब ये बता दो ये मल्टीपल के साइन में है तो इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड पार्ट में जब इसे कैंसिल करेंगे तो आ गया 6 है ना। इसी तरीका से ब्रेथ फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे सपोज 6 दिया हो और हमें ये ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला गया हो तब हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 पुट करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 3 आ गया। तो चाहे कुछ भी दिया हो कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं छोड़नी है ना। ओके नाउ नेक्स्ट डायगोनल इक्वल टू अगर हमें डायगोनल फाइंड करने के लिए दे दिया गया हो तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि इस रेक्टेंगल का डायगोनल क्या है। तो अगर सपोज दैट मैंने अभी क्या लिया कि 6 एंड 3 चलो यही मेजरमेंट को लेकर के मैं करती हूँ तो इनका डायगोनल क्या होगा तो डायगोनल इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है यानी 6 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। ओके ये हो गए एंड नाउ फॉर डायगोनल डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ऐसे सिंपली आपको डायगोनल फाइंड करने के लिए तो नहीं देगा है ना। डायगोनल फाइंड करने के लिए कब देगा या तो सपोज दैट दे भी सकता है कोई बात नहीं कि और लेंथ और ब्रेथ हमें किसी भी रेक्टेंगल का गिवेन हो है ना गिवेन हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके तो डायगोनल का आपको फॉर्मूला पता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इट मीन्स डायगोनल सपोज दैट हमने 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का लेंथ और ब्रेथ लिया उस
और इस किस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब हमें पॉइंट क्या है, तो सिक्स लेंथ हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर 8 स्क्वायर एंड प्लस में 6 स्क्वायर। ओके, डायगनल हो गए 8 इज 64 प्लस में 6 36 अंडर रूट विच इज अंडर रूट 100 और इसे फाइंड किया 10 सेंटीमीटर। अब कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे कंडीशन होंगे कि कोई भी एक ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसे एक सर्कल में दे दिया है ना, ये सर्कल में दे दिया, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। अब बोलेगा कि इसके डायमीटर को फाइंड करो, इस सर्कल के डायमीटर को फाइंड करो। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इनका इस रेक्टेंगल का जो डायगनल है और उस सर्कल का जो डायमीटर है दोनों सेम है। रेक्टेंगल का डायगनल और सर्कल का डायमीटर देखो यहाँ पे वो दोनों सेम है। ये सेंटर से होते हुए ये एक बाउंड्री को दूसरे बाउंड्री को टच कर रही है और वही इस स्क्वायर का, तो इस तरीका से आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है कि ये इस रेक्टेंगल ए बी सी डी इन रेक्टेंगल ए बी सी डी लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर इक्वल टू डायगनल ऑफ रेक्टेंगल एंड हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इस तरीका से डायगनल फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट विच इज नेक्स्ट आ गया आपका स्क्वायर फिगर के लिए पेरीमीटर एंड ऑल्सो एरिया। सिमिलरली पेरीमीटर का इसमें क्या है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दैट्स वाई 4a का ए टर्म का मतलब हो गया साइड, ए टर्म का मतलब क्या हो गया साइड, यानी कि सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर का है तो हम 4 मल्टीपल 2 करेंगे तो इनके पेरीमीटर फाइंड हो जाएंगे। ऐसे प्लस करके देख सकते हो आप, 2 प्लस में 2 4 प्लस में 2 6 2 प्लस में 2 8। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर एरिया स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर के एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट था तो लेंथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट इन दोनों साइड ए सेम है, दैट्स व्हाई आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू ए, या तो साइड इंटू साइड ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर ए स्क्वायर है ना, जब टू टाइम्स सेम थिंग लिखा हम उसे लिखी होती है तो उसे स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा एक अगर सपोज दैट हमारे पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन हो और हमें एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाए तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर अपॉन में 4 एंड सपोज दैट देखो अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, सर कि पेरीमीटर गिवन है कि 8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है और अपॉन में 4 ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है ये 2। ओके, और ये 2 स्क्वायर हो गया 2 टू ज़ा 4, और ऐसे भी ये 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है तो ए स्क्वायर से 2 टू ज़ा 4 आगे। ओके, नाउ अगर हमें सपोज दैट स्क्वायर का साइड नहीं दे करके डायगनल दी गई हो, स्क्वायर के डायगनल जो होते हैं दोनों डायगनल इक्वल होते हैं, ओके, तो साइड ना दे करके हमें डायगनल दी गई हो, उनकी मेजरमेंट गिवेन हो, तब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर। ओके, नाउ डायगनल हमें अगर फाइंड करने के लिए दिया जाए तो रूट टू इंटू साइड, सपोज दैट हमने 2 ले लिया आपका कि 2 सेंटीमीटर का है तो इनके डायगनल क्या होंगे, इसका तो 2 मल्टीपल रूट 2। ओके, डायगनल 2 इंटू यानी कि 2 रूट 2, इसका डायगनल का जो मेजरमेंट होगा 2 रूट 2 होगा। साइड ऑफ अ स्क्वायर अगर हमें साइड फाइंड करने के लिए दिया जाए और एरिया हमें गिवेन है ना, एरिया गिवेन कि
9 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की एरिया है, फाइंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। तब क्या करेंगे तो हमें एरिया, जो भी एरिया है अंडर रूट कर देंगे 9, फाइंड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये सब भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कंडीशन क्या होता है? पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल तब पैरेललोग्राम कहलाते हैं कि उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो और उनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हो, तब ये कंडीशन को जो भी क्वाड्रिलेटरल फुलफिल करता है वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो वी कैन से दैट कि रेक्टेंगल भी इस रेक्टेंगल के भी बोथ ऑपोजिट साइड जो इक्वल और पैरेलल है, इनके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं एंड ऑल्सो इनके डायगनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। ओके, स्क्वायर के साथ भी वही बात है। अब आ गया, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला है कि पैरेललोग्राम का क्या क्या फॉर्मूला, कि जब तब पैरेललोग्राम किसी ढंग से भी हो सकता है, कि सिर्फ हमें क्या है कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी रेखा में हो, ऐसा होने की जरूरत नहीं है, और एंगल इक्वल हो, जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री का एंगल हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। हाइट किसको बोलेंगे? इसमें इस ये वाली जो 80 है वो हाइट नहीं है, है ना, ये 80 हाइट नहीं होते हैं। इस टाइप का जो टिल्टेड फिगर हो, जैसे कि रोम्बस हो गया और ये हो गए, तो ये इसमें ये वाली पार्ट जो है वो हाइट नहीं है, एडी को हाइट नहीं बोलेंगे। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी बेस पे, तब वो उसका हाइट होता है। डी एल इज हाइट, ए भी एक हाइट हुआ और बी एम एक हाइट हुआ। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेलल बेस इनटू हाइट, यानी बेस और ये हाइट की को मल्टीपल करेंगे तब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड। सपोज दैट हमें बेस फाइंड करना हो, यानी बेस फाइंड करना हो, एरिया और हाइट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला एरिया अपॉन में हाइट। और अगर हमें हाइट फाइंड करना हो और बेस और एरिया हमें गिवन हो, तो एरिया अपॉन में बेस। ओके, नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम तो 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। सेम है ना, कि 2 इंटू एडजेसेंट साइड का सम है, यही हो गया आपका लेंथ इसको और इसका ब्रेथ। नेक्स्ट, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस, उसका मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता रखी हूँ। सिमिलरली वैसे ही उसी प्रोसेस से हम सारे फिगर के लिए एरिया वगैरह फाइंड करते हैं। उसमें जैसे रेक्टेंगल में मैंने बताया कि एक दो तीन टर्म में से कोई दो टर्म गिवन हो तो हम तीसरा कैसे फाइंड करेंगे, तो सारा प्रोसेस इन सब में वही प्रोसेस अप्लाई होंगे। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस, तो साइड ऑफ रोम्बस ऑफ द रोम्बस इक्वल टू, अगर हमें रोम्बस की साइड फाइंड करते, यू नो दैट रोम्बस जो है उनके भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इनके भी जितने चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और इनका भी ये, और लेकिन हाँ एक चीज़ और, बाइसेक्ट करता है इन डायगनल, बट ये डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, इनके डायगनल इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते हैं, बट हाँ बाइसेक्ट करते हैं। अगर हमें किसी रोम्बस का 2 डायगनल की वैल्यू गिवन है, तो हम साइड कैसे फाइंड करेंगे? तो फार्मूला है 1/2 × (diagonal 1 + diagonal 2). डायगनल 1 मतलब कोई भी हो सकता है, आपका AC और BD डाई 2 डायगनल है, उसमें से किसी को भी नाम हम DD1 दे सकते हैं, किसी का भी नाम D2 दे सकते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर अभी बताया कि सिमिलरली स्क्वायर की तरफ चारों साइड इनके इक्वल होते हैं, तो 4 × साइड। और दूसरा और है कि सिर्फ अगर डायगनल की गिवन है तब हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 × √(D1)² + √(D2)² है ना। 2 कंडीशन है कि अगर सपोज दैट हमें साइड ना गिवेन हो, डायगनल गिवेन हो और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो इस फॉर्मूला को अपनाएंगे।
एरिया, उसके एरिया रोम्बस की एरिया कैसे किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू डायगनल वन मल्टीपल में डायगनल टू। और एक और हो सकता है कि अगर सपोज दैट डायगनल नहीं गिवेन हो तो श्योरली आपको उनके हाइट गिवेन होंगे। डायगनल नहीं गिवेन होंगे तो हाइट गिवेन होंगे और वो उसका हाइट से मल्टीपल करके एरिया को फाइंड करोगे ना। दूसरा वो भी मैं लिख देती हूँ, अगेन अगर सपोज दैट एरिया हमें फाइंड करना हो तो बेस इंटू में हाइट, ये भी हमारा। नेक्स्ट, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल पेरीमीटर का मतलब हो गया उनके बाउंड्री पार्ट, है ना। पेरीमीटर का मतलब हो गया उनके बाउंड्री पार्ट। तो ट्राइंगल सपोज दैट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जिस तरीका से स्क्वायर में मैंने 4a लिखा था, है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो 3a हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का साइड 3 होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम साइड प्लस साइड प्लस साइड लेंगे, क्योंकि उनमें दो साइड इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल होता है, तो हम तीनों साइड को सम कर देंगे तो वो हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एरिया अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हाफ इंटू एल इंटू एच बी इंटू एच बेस इंटू हाइट, हम उस फॉर्मूला को लेकर भी करेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर फाइंड करना हो तब कैसे फाइंड करेंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा रूट थ्री अपॉन में फोर ए स्क्वायर। ओके, रूट थ्री अपॉन में फोर ए स्क्वायर, इस फॉर्मूला के लेकर के इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, विच इज अगर सपोज दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें हाइट फाइंड करने के लिए, अगर हाइट फाइंड करने के लिए दिया है तब हम कैसे फाइंड करेंगे, साइड तो गिवन होंगे ही, तो रूट थ्री अपॉन में टू इंटू ए, रूट थ्री अपॉन में टू इंटू ए, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें हाइट। ये पार्ट, ये हाइट है ना, इसे फाइंड करने के लिए दे दिया, दे अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट, विच इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल करने का मतलब है कि इसमें ओनली एक ही कंडीशन होते हैं कि फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि और भी मैंने क्वाड्रिलेटरल बताया, जैसे रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी, सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, सारे फोर लाइन सेगमेंट से मिल करके बनी, बट उनके कुछ और भी कंडीशन थे, एंगल ओपोजिट एंगल इक्वल हो, ओपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो, ये सारे कंडीशंस थे, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स ओनली फोर लाइन सेगमेंट से अगर जो भी फिगर बनी हो, पॉलीगोन बनी हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर ऐसे फिगर का हमें एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो श्योरली ऐसा 100% श्योर है कि उसमें डायगनल गिवन होंगे, आपको उस फिगर का डायगनल गिवन होगा और दो हाइट गिवन होगी। ओके, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर बनाया है और ये हाइट वन, दोनों में से किसी को भी आप हाइट वन और हाइट टू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे हाइट वन लिखा है तो आप इसे ही दो, आप इसे भी हाइट वन कर सकते हो ना, चेंज कर सकते हैं, और डायगनल गिवन होगी। फॉर्मूला विच इज हाफ इन टू लेंथ ऑफ डायगनल, हाफ इन टू लेंथ ऑफ डायगनल मल्टीपल में एच मल्टीपल एच टू। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम फिगर कहने का मतलब है उनके वन पेयर ओपोजिट पेयर जो होते हैं वो पैरलर होते हैं, नॉट इक्वल, है ना, इक्वल नहीं होते, पैरलर होते हैं। ये ए बी और सी डी दोनों जो ओपोजिट साइड हैं वन पेयर ही पैरलर होते हैं, पैरलर होते हैं, और बिटवीन डिस्टेंस गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन होते हैं। तो ऐसे का एरिया हमें फाइंड करने के लिए ट्रेपेजियम का फाइंड, तो उसका फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ ऑपोजिट पैरलर लाइन एंड मल्टीपल डिस्टेंस बिटवीन पैरलर लाइन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट, ये आपका प्लेन फिगर का लास्ट फॉर्मूला है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल, दोनों में इसमें बता रहे हैं। तो पेरीमीटर सर्कल का है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलो या फिर सर्कमफ्रेंस बोलो, मेनली यूज किया जाता है सर्कमफ्रेंस, सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस ही यूज किया जाता है, बेसिकली वो उसका पेरीमीटर ही है।
बट हम जो टर्म यूज करते हैं वो सर्कमफेरेंस है, तो 2πr। अगर सेमी सर्कल हो तब क्या होगा, तो सेमी सर्कल हो तो पाई आर, उनकी क्या होती है पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 भी होता है, 3.14 भी होते हैं, और अकॉर्डिंग टू जैसे आपको क्वेश्चन में गिवेन, अगर नहीं गिवेन होते हैं उनकी वैल्यू पाई की, तो हम 22/7 ही यूज़ करते हैं, और अगर पार्टिकुलर 3.14 गिवेन हो तब हम उस वैल्यू को लेकर के उनकी सॉल्यूशन करते हैं। ओके, एरिया तो पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन में टू, और फिगर को समझते हैं, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। फिगर सबसे पहले क्या है कि ये हमारा हो गया सर्कल। ओके, सर्कल का अगर सपोज दैट पेरीमीटर सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो आप इसकी करोगे ना, है ना, इसका डायमीटर का तो नहीं करोगे, क्या करोगे, ये फाइंड होगा हमारा, है ना। अगर कोई भी चीज़ अगर राउंड हो, हम उसे ओपन कर दें, है ना, ओपन कर दें बिल्कुल, कोई थ्रेड हो, है ना, थ्रेड होगा सपोज दैट, वो बाय सपोज दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये वायर है, इसे हम किसी फॉर्म में बना सकते हैं। इसे अगर सर्कल करेंगे तो ये, और फिर इसे ओपन कर देंगे तो ये सीधा लाइन बन जाएगा। हो सकता है इसे स्क्वायर का भी रूप दे सकते हैं, रेक्टेंगल का भी रूप दे सकते, खोलेंगे तो ओपन करेंगे सेम हो जाएगा। अगर सपोज दैट सेम ही हम इसे बोला जाए कि सेम ही मेजरमेंट का, है ना, सर्कमफेरेंस, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो भी हो 8 सेंटीमीटर है, आप मतलब उसी आप ये उसी इसी इसी सर्कमफेरेंस से आप स्क्वायर, मतलब इनके फिगर को जब हम चेंज करते हैं तो उनके साइड को फाइंड कीजिए, तो उनका साइड क्या होगा, तो साइड क्या होगा बेटा, ये अगर 4 है, ये सॉरी 8 सेंटीमीटर है इनके पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, हम आप स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होता है 4a, है ना, और 8 सेंटीमीटर अगर ये है तो हम क्या करेंगे, ए निकालने, ए को फाइंड करने के लिए 4 और ए दोनों मल्टीपल के रिलेशन में, दैट्स व्हाई ए से हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे 8 को, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो इसी तरीका से ये एक फाइंड करने की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ सर्कल की जहाँ पे बात हो रही है, तो सर्कल और सेमी सर्कल यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट सेमी सर्कल का फिगर, है ना, आपका जब एग्ज़ाम ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, तो ये फिगर गिवन होता है, अब इस फिगर का वैल्यू वो पाई आर से फाइंड कर लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है बताओ, अभी ये डायमीटर तो नहीं है ना। अगर आप देखें यहाँ, देख लो इस फिगर पे ध्यान देना, इसे मैंने हाफ रब किया सेमी सर्कल बन गया, इसमें तो डायमीटर नहीं बेटा। जब ऐसे फिगर को हमें फाइंड करना होता है तो इनका जो वैल्यू है इस डायमीटर का, उसे हम ऐड करेंगे तब जाकर के इसका फाइंड होगा। एंड डायमीटर इक्वल टू होते हैं 2r, यानी दो रेडियस को जब हम दो रेडियस को 2 से मल्टीपल कर दो या तो 2 रेडियस को ऐड कर दो तो आपका डायमीटर फाइंड हो जाते हैं। अब मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ, इसे मैं रब करती हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप बैक जा करके नोट कर सकते हो। जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया है, इसे एक एक फॉर्मूला को लर्न अगर कर लेते हो तो मेजुरेशन आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कैसे कैसे गिवन होंगे और आप कैसे फाइंड करोगे वो मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपका फिगर ऐसे गिवन हो, है ना, ये फिगर गिवन हो। मैं सिर्फ आपको आइडिया बताऊंगी कि आप कैसे फाइंड करोगे, है ना, तो ये ऐसे बन गया कि नहीं, इसे हम जोड़ देंगे ये फिगर। अगर बोला जाए हमें इनकी मेजरमेंट गिवन हो, है ना, इनकी मेजरमेंट गिवन हो और इनकी मेजरमेंट गिवन हो, हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाए कि ये जो बॉर्डर है इनके एरिया को फाइंड करो, तब कैसे करें, इसके भी कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पे देखना, फिगर पे ध्यान देना, अगर ये साइड और ये साइड गिवन है हमारा, ये साइड और ये साइड हमारा गिवन है, तो ये दोनों, ये अब फिगर देखो, ये क्या बन रहा है हमारा, ट्रेपीजियम बन रहा है। अगर सपोज दैट ये पूरा एरिया को अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए तब तो बहुत ही आसान है। आसान क्या है, ये हो गया हमारा ए बी सी डी और ये हो गया पी क्यू आर एस। अगर
अगर इनके साइड्स गिवेन हो और इनके साइड्स गिवेन हो तो इनका पूरा एरिया फाइंड करेंगे और इसके एरिया को फाइंड करेंगे, है ना, पूरे के एरिया को फाइंड करेंगे और इसके एरिया को फाइंड करेंगे और दोनों के एरिया से ये वाली को एरिया को लेस कर देंगे, है ना, इनके एरिया को लेस कर देंगे, बड़े वाले फिगर जो आउटर पार्ट है उससे इनर पार्ट वाले एरिया को लेस कर देंगे, हमारा ये एरिया फाइंड हो जाएगा। अगर सपोज दैट ऐसा बोला जाए कि इनका डिस्टेंस हमें गिवन हो, है ना, इसका डिस्टेंस गिवन हो और हमसे बोला जाए कि आप किसी मतलब इन दोनों पार्ट का एरिया फाइंड करो, अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम का फिगर ले लिया, है ना, ट्रेपेजियम जैसा फिगर यहाँ पे दिख रहा है, इस ट्रेपेजियम का तो हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अगर इन दोनों को फाइंड करना है तो दोनों से मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा और कैस क्या क्या दे सकता है आपको, ये इस तरीका से बड़ा सा एरिया दिया, है ना, और ये ऐसे कर दिया, यहाँ पे रोड डाल दिया और इस तरीका से भी रोड डाल दिया, इनकी आपको डिस्टेंस दे देगा, इनकी वैल्यू को दे देगा आपको, फिर यहाँ से यहाँ ये ए, ये कोई पार्क है और इस पार्क में ये दो दो रोड सेंटर से क्रॉस करते हुए गई है और हमें फाइंड करना है कि रिमेन एरिया हमारा क्या है। इनके एरिया के लिए ये डिस्टेंस हमें गिवन होंगे और आप देख रहे हो रोड का जो लेंथ है, है ना, लेंथ जो है वो कैसे, सबसे पहले तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है और लेंथ ये वाली लेंथ के बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, डिस्टेंस हमें गिवन है, यानी कि ब्रेथ, डिस्टेंस का मतलब हो गया कि हमें ब्रेथ गिवन है, तो हम इसकी एरिया को फाइंड कर लेंगे, इसकी एरिया को फाइंड करेंगे और दूसरा इसकी एरिया को फाइंड करेंगे। इन दोनों को एरिया को फाइंड करने के बाद एक चीज़ और क्या काम करोगे कि हमने दो इस एरिया को टू टाइम्स फाइंड कर लिया, ऐसे भी और ऐसे भी, वन टाइम इनके एरिया को, यानी ये इधर से गया है तो ये टू है और इधर से भी गया है तो टू है, तो इनके एरिया को वन टाइम एरिया को लेस कर दोगे, क्योंकि एक 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 चीज़ को हम दो बार तो नहीं ले सकते हैं, और फिर क्या करेंगे, इस पूरे एरिया से इन दोनों का जो एरिया है उसे लेस कर देंगे तो हमारा रिमेन एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीका से हम फाइंड करेंगे, कुछ फिगर ऐसे भी गिवन होंगे, मैं यहाँ पे क्लू दे दे रही हूँ, बाकी आपको जब भी मैं सॉल्यूशन करूँगी तो उसका तो डिस्कशन करूँगी। सपोज दैट फिगर दिया हुआ है आपका इस टाइप से और दो साइड में ये ऐड कर दिया है ना, और हमें यहाँ बताया गया है इनका डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इसका ये डायमीटर भी हो गया और ये हमारा देख लो इन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ गिवन होंगे, तो एक फिगर हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगुलर और दो हमारे सेमी सर्कल बन गए। तो इस तरीका से एरिया अगर फाइंड करना हो तो दो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर, एक दोनों सेम है, एक का फाइंड करेंगे उसे टू से मल्टीपल कर देंगे एंड प्लस में रेक्टेंगुलर पार्ट का, तो ऐसे ऐसे करके हम एक दो फिगर को मिला करके और जब दी गई हो तो सबसे पहले हम फिगर पे अच्छे से ध्यान देंगे कि उस फिगर पे हम क्या करें कि किस तरीका से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या एरिया उसमें जुड़ा हुआ है, कौन कौन से मंदिर टाइप का बना होगा, तो कुछ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मिक्स करके बने होंगे, तो उनको सबसे पहले आप डिवाइड कर दोगे, फिगर को क्या करोगे कि डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके अलग अलग एरिया फाइंड कर लोगे, फाइंड करने के बाद उसे ऐड कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्यूबॉइड, ओके, हाइट और डेप्थ ये दोनों अब डिपेंड करता है कि हम कोई क्यूबॉइड है, सपोज दैट ये है क्यूबॉइड से और ये है हमारा क्यूब से, है ना, अब डिपेंड करता है ये वाली, है ना, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ अंदर में रखा हो, कोई ऐसा कंटेनर हो कि उनकी सपोज दैट इसके अंदर पानी है तो पानी की डेप्थ क्या है, ऐसे मेज़र करें, या तो फिर हम बोले कि इस क्यूबॉइड की हाइट क्या है, तो सेमी टर्म के लिए यूज़ की जाती है डेप्थ एंड
हाइट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, क्योंकि जब भी डेप्थ दिए होते हैं तो कन्फ्यूज़न आ जाता है बच्चों के माइंड में, और फिर दिक्कत होती है सॉल्यूशन में कि हमारे पास तो फॉर्मूला में कहीं पे भी डेप्थ लिखा हुआ है ही नहीं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर सपोज दैट इस जो भी ये क्यूबॉइड बना हुआ है, जिस भी मेटल से या जिस चीज़ से बना हुआ है, वो हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए, तब हम उसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यानी कि कितने वॉल्यूम से बनी हुई है, और उसके बाद हम इसका वेट फाइंड करते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी रखे होंगे, कुछ भी रखा होगा, सपोज दैट एक बॉटल है, हम उस बॉटल टैंक मान लो, टैंक है और वो क्यूबॉइड फॉर्म का है, और उस टैंक में कितने लीटर पानी है, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करनी होती है। ओके, या तो वो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के लिए, ये क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, सबके लिए यही चीज़ यूज़ होता है, इन्हीं के लिए यूज़ होता है। अच्छा भी, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट और दूसरा फॉर्मूला है ना, कि ये आप सपोज दैट मान लो कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड पे इसका बेस जो है वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब डिपेंड करता है कि इसका बेस किस फॉर्म में है, तो बेस का, और दूसरा फॉर्म के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो बेस का एरिया मल्टीपल में हाइट आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर सपोज दैट इस फॉर्म में है तो एल इंटू बी हो गया ना, क्यूबॉइड हमारा ये, इसका ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इनका एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ को ही यहाँ पे और एरिया का फ्लोर, मतलब अगर दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिया, एरिया ऑफ फ्लोर। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन हो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबॉइड सेप्ड कंटेनर इज इतना एंड हाइट इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, उस कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दिया हो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसके एरिया से उसे मल्टीपल कर देंगे। एरिया मीन्स एल इंटू बी, ये हो गया है ना। तो ये दो फार्मूला में दो कंडीशन गिवेन हो, अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, हाइट और ब्रेथ गिवेन हो तो भी हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम, और अगर हमारे पास सिर्फ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और हाइट गिवेन हो तो भी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें हाइट फाइंड करना हो, तो हाइट फाइंड करना हो तो हम वॉल्यूम अपॉन में एल इंटू बी ले सकते हैं, या तो फिर वॉल्यूम अपॉन में हम लिखा हो, या तो फिर एरिया हमें गिवेन हो कि हाइट फाइंड करने के लिए वॉल्यूम और एरिया हमें गिवेन हो, वॉल्यूम और बेस, उसके बेस का एरिया हमें गिवन हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम अपॉन में एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द बेस भी लिख सकता है, एरिया ऑफ द फ्लोर भी लिख सकता है। लेंथ फाइंड करना हो तो वॉल्यूम अपॉन में ब्रेथ मल्टीपल में हाइट, अगर लेंथ फाइंड करना हो तो वॉल्यूम ब्रेथ एंड हाइट बिल्कुल दिए हों, सिमिलरली अगर ब्रेथ हमें फाइंड करना हो तो वॉल्यूम लेंथ एंड हाइट गिवन होगा, तो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीपल में हाइट फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करें। नेक्स्ट आ गए, यहाँ तक आ गए आपका वॉल्यूम के लिए, अब आ गए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये पूरी बंद डब्बे है ना, इधर भी पैक्ड हो या ये पूरी बंद डब्बा है ना, चार साइड, मतलब 1 2 3 4 5 6 साइड है, ये 6 साइड का 6 साइड जब हो तब हम उसे टोटल सरफेस एरिया, उस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो 2 इंटू एल, मतलब ऐसे लिखें या तो फिर 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच, जब भी हम दो वेरिएबल को लिखते हैं तो उनके बीच में मल्टीपल का साइन दी नहीं जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि एल बी लिखा हुआ इसका मतलब ही है एल मल्टीपल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ अ रूम, एक रूम है ना, सपोज दैट इसी को मैं रूम मानती हूँ, बट ये वाली साइड और ये वाली साइड इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ओनली ये फोर साइड इंक्लूड होंगे, तो ये फोर साइड हमें रूम का निकालना हो, या तो फिर हम इसे लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी अप एंड डाउन की काउंटिंग नहीं हो रही है,
फोर साइड की काउंटिंग हो रही है, तो उसे हम एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी रूम का अगर हमें दीवारों की एरिया निकाल फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो इसे लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। सॉरी नहीं, ये कर्व फिगर नहीं है, सिलेंडर के लिए कर्व यूज होगा। लिटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ फोर वॉल, तो टू इंटू एल बी प्लस में एच एल बी। यहाँ पे आप देखो, इसको देखोगे तो कुछ चीज आपको याद आएगा। क्या आएगा? तो ये हमारा पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे तो ठीक है, अदरवाइज पेरीमीटर और हाइट भी दे तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इसका दूसरा अनदर फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर मल्टीपल में हाइट। क्योंकि ये फॉर्मूला देखो, टू इंटू एल प्लस बी, टू इंटू एल प्लस बी क्या होता है, रेक्टेंगल का ये प्लेन फिगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ गया कि अगर सपोज दैट इनके सबसे लॉन्गेस्ट कोई भी डायगोनल हमें फाइंड करने के लिए दिया गया हो, तो अगर क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड करने के लिए दिया गया है और हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट एल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला को यूज करते हुए उनके डायगोनल को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट फोर क्यूब, क्यूब भी क्या है, आपका सॉलिड फिगर ही है। हाँ, अभी ये मैंने बताना भूल गई कि एक सॉलिड फिगर है, इसे हम थ्री डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं और सॉलिड फिगर भी कहते हैं। सिमिलरली क्यूब, क्यूब भी जो है हमारा सॉलिड फिगर है और थ्री डायमेंशनल फिगर है। थ्री डायमेंशनल फिगर मतलब हो गया कि इसे हम पूरे एग्जैक्ट, ये पूरे फिगर को किसी प्लेन पेपर पे इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। एक टाइम में आप सारे साइड को कहीं पे पेपर में ड्रॉ करके इसे नहीं देख सकते। तो क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हो गया एक क्यूब। एक क्यूब कहने का मतलब है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई लेंथ मल्टीपल, ब्रेथ मल्टीपल, हाइट दिया। इनका सारा क्या होता है कि सारे सिक्स साइड का सिक्स साइड इक्वल होता है, दैट्स व्हाई। और हाँ, ऑलवेज वॉल्यूम को हम क्यूब, यानी उनका जो कुछ भी आए, सपोज दैट नाइन आया तो नाइन क्यूब ऐसे हम आंसर देंगे, या तो फिर नाइन क्यूब ऐसे हम आंसर देंगे। क्यूबिक यूनिट में ही आंसर दिए जाते हैं वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम किसी का भी, सिलेंडर का हो, क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, किसी का भी हो, उनके वॉल्यूम का हम जो हम आंसर नोट करते हैं उसमें क्यूबिक यूनिट में देते हैं आंसर। नेक्स्ट हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो सिंस इसके सारे साइड्स इक्वल है तो सिक्स ए स्क्वायर, और लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल मतलब क्या हो गया, ये फोर साइड का लेगा तो फोर साइड का फोर साइड इक्वल है, दैट्स वाई फोर ए स्क्वायर। ये दोनों में एक साथ बताया। नेक्स्ट आगे इसका भी डायगोनल अगर फाइंड करने के लिए दिया गया होगा, जैसे इसका दिया गया तो रूट थ्री ए है ना, रूट थ्री ए यूनिट, और एरिया ऑलवेज स्क्वायर में नोट किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे फोर सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर कैसा होता है, बॉटल, पानी का बॉटल, पानी पीते हुआ तो उस बॉटल वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, यानी उसके अंदर का जो कंटेनर का पानी, या तो फिर ऊपर वाले पार्ट, सपोज दैट कभी आयरन वायरन का कुछ का बना होता है तो उनको फाइंड करने के लिए भी दिया जाता है, तो उस समय हमें वॉल्यूम वॉल्यूम फाइंड करनी होती है। तो वॉल्यूम यानी कि सपोज दैट एक बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल में पानी कितना आया है, इस बॉटल के अंदर इसकी मतलब कैपेसिटी क्या है, तो वो कैपेसिटी इसका वॉल्यूम है। ओके, तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आर, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्यों दिया, तो देखो ये आप पार्ट देख रहे हो, ये सर्कुलर पार्ट होती है, तभी इस एरिया को कवर कर रहा है एंड मल्टीपल में हाई। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलो या लिटरल सरफेस एरिया बोलो, दोनों सेम वर्ड है। कर्व सरफेस एरिया क्योंकि जब भी सर्कल बनता है तो कहीं पे भी लाइन सेगमेंट से ये नहीं बनती है, लाइन सेगमेंट से नहीं बनती, दैट्स वाई ये कर्व्ड होता है, यानी इन कर्व्ड लाइन से कर्व्ड लाइन से इसे ड्रॉ किया जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया बोलो या तो फिर लिटरल सरफेस एरिया, सेम बात होती है, टू पाई आर एच, और इसका भी ये एरिया है, दैट्स वाई स्क्वायर में इसके आंसर नोट किए जाएंगे और वॉल्यूम वाले क्यूबिक यूनिट में। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया पूरे
कवर्ड पार्ट, डाउन पार्ट भी, अप पार्ट भी, सब कुछ टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया पूरे बॉटल का एरिया क्या है। तो 2πr(h+r) और ये भी स्क्वायर यूनिट में नोट किए जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट विच इज हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर करने का मतलब है ये आप देख सकते हो ये और ये, आप एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो, देखो है ना, एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो, यानी ये बंद ना हो, ओपन हो, दोनों साइड ओपन हो, इसे हम हॉलो सिलेंडर कहते हैं। ये इसका कब सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे कुछ इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस वगैरह सबको जब हम ले लेंगे, अंदर का पार्ट भी ले लेंगे, तब ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। और ऊपर वाली पार्ट सिर्फ लेते हैं तो ये हो गया हमारा कप सरफेस एरिया बोलो या तो फिर लेटरल सरफेस एरिया, दोनों से। अब यहाँ पे आ रहा है सरफेस एरिया ऑफ इच बेस। कहने का मतलब है कि आप जब सॉल्यूशन करोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक वेल डग की गई है और उसमें से कुछ अर्थ मतलब कि अर्थ निकाला गया, यानी मिट्टी निकाली गई है और उसे कुएं के चारों साइड में स्प्रेड की गई है, ओके, और दोनों का मेजरमेंट सॉरी रेडियस गिवेन होगा कि इनका रेडियस ये है, इनका रेडियस ये है ना, जैसे ये मैंने बताया तो ये हो गया ओ और ये हो गया इनका रेडियस और इनका रेडियस है ना, एक का ग्रेटर, जो बड़ा वाला है उसे ग्रेटर आर से इंडिकेट किया जाता है और जो छोटे वाले रेडियस है यानी अंदर वाले सर्कल का पार्ट का स्मॉल आर से उसकी रेडियस को इंडिकेट की जाती है। और हमें फाइंड करना हो कि जो एम्बैंकमेंट बना और इसके चारों तरफ जो चबूतरे टाइप का बनाई जाएगी उसे हम एम्बैंकमेंट कहते हैं, तो इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी, है ना। इसे हम सबसे पहले ध्यान देना, ये जो मैंने इस तरीका से कलर्ड कर दिया है इस पार्ट को, कुएं अगर सपोज दैट एक वेल की खुदाई की गई तो उसके स्प्रेड किया गया, उसके नीचे से जितना अर्थ डग फाइंड आउट हुए हैं, टेकन आउट हुए हैं, उन सबको वहाँ पे उनके चारों तरफ स्प्रेड की सर्कुलर फॉर्म में स्प्रेड की गई है। तो कुछ यानी कि उस क्या हो गया, वो जो अर्थ डग बाहर निकाला गया उसका वॉल्यूम है, क्या है वो अर्थ डग उसका वॉल्यूम है और इस पर स्प्रेड की गई है। तो हम इस तरीका से एम्बैंकमेंट का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाए तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, इट मीन्स इनके पाई आर स्क्वायर होता है तो ये बड़े वाले आर स्क्वायर से छोटे वाले आर स्क्वायर का के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा ना, है ना, तो वही इसकी एरिया होती है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीका, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी जब एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करूंगी। तो नेक्स्ट हो गया कर्व सरफेस एरिया, है ना, यानी ये वाली पार्ट का हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये चारों साइड का, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2πrh, आर कैपिटल आर का मतलब हो गया आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थिकनेस है, एक इसका रेडियस यानी कि एक सेंटर से अगर कोई भी सेंटर होगा होगा ही, तो इसके अंदर का साइड तक का जो एक रेडियस होगा और दूसरा बाहर वाले तक है, जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसकी थिकनेस फाइंड हो जाती है, बट इनका दो रेडियस होता है ऐसे हॉलो सिलेंडर में, ध्यान दोगे, क्योंकि थिकनेस होती है, एक आउटर पार्ट का सर्कुलर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट का। तो 2πrh यानी कैपिटल आर एंड सिमिलरली प्लस में 2πrh यानी कि स्मॉल। नेक्स्ट होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी अंदर का भी और ये बाहर का भी इस थिकनेस का भी, तो 2πr इंटू आर प्लस आर इंटू आर एच प्लस में आर माइनस आर, ओके, स्क्वायर यूनिट, सिंस ये एरिया दैट्स वाई स्क्वायर यूनिट से इंडिकेट करेंगे। और नेक्स्ट आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अगर सपोज दैट पूछा जाए कि इसे बनाने में, इस मटेरियल को बनाने में कितना वॉल्यूम यानी कितने वेट का, सपोज दैट ये आयरन का बना हुआ है तो कितने आयरन लगे होंगे, तो इस फार्मूला को इस तरीका से हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी फार्मूला है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस में आर, डिपेंड, देखो अगर सपोज दैट इसे आप ओपन करते हो ना, इसे अगर यहाँ से कट कर दो और इसे ओपन कर दो, तो ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगुलर शीट बन जाएंगे, है ना, रेक्टेंगुलर शीट बनेंगे और उसमें एक हाइट होगी, यानी कि वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एक मे बी क्यूबॉइड फॉर्म में आ जाएंगे, क्यूबॉइड फॉर्म में आ जाएंगे, उसमें आपका हाइट भी होगा। इस तरीका से आप इसे जब कट करोगे तब वैसा आएगा आप, लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है ना, हमें सर्कुलर इसी फॉर्म की बात मैं कर रही हूँ,
तो इस फॉर्म में तब यानी इनकी थिकनेस कितनी है ना, इनकी थिकनेस फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर माइनस आर, ये बड़े वाले आर से अगर छोटे वाली आर को माइनस कर देंगे तो ये थिकनेस हमें फाइंड हो जाएगी, है ना। ये थिकनेस फाइंड हो गया और उसमें पाई एच मल्टीपल कर दी जाएगी, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो मे बी मैंने जितना भी फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन चैप्टर में दी गई है जिससे आप सॉल्यूशन कर सको, मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दिया है। और नेक्स्ट जब मैं एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं कौन से, और फिर मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि फॉर्मूला कहाँ पे कैसे लगेगा, कौन सा फार्मूला, और उस फार्मूला को लेकर के हम कैसे आंसर को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हूँ अब एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए। नाउ वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी कर लें।